हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा। उसके लिए 2 कप जितना मैदा लेंगे, 1/2 कप ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी लेंगे। अब सारे सामान को एक बर्तन में अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा, अजवाइन, ब्लैक कलौंजी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। फ्रेंड्स, आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही नमक लो। और फिर उसमें मोन के लिए तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हल्का गर्म पानी डाल के इसकी एक टाइट डो बनाएंगे, क्योंकि समोसा और पूड़िया के लिए डो टाइट होनी चाहिए, और जिसे हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा को बहुत अच्छे से गूंथेंगे। डो तैयार हो गई है फ्रेंड्स, इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब इसकी रोटी जितनी लोई काट लेंगे और इसे अच्छे से गोल करके लोई बना लेंगे। अब इसे हम लंबाई सेप देते हुए बेलेंगे, इसे गोल नहीं बेलना है फ्रेंड्स। इसे लंबाई में थोड़ा सा बड़ा बेलना है फ्रेंड्स, फिर क्योंकि इसे हमें बीच से कट भी करना होगा, तो थोड़ा सा हम इसे लंबा और बड़ा बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें हम कट भी लगा चुके हैं। इसे साइड रखकर हम दूसरे भी इसी तरह से बेल लेंगे और इसमें कट्स लगा देंगे फ्रेंड्स। आलू की फिलिंग से रेडी है, बस इसमें धनिया पत्ता डाल के हल्का हम इसे मिला लेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हमने जैसे बेल करेंगे तो उसे हल्के हाथ से पानी लगा के उसे त्रिकोण के साइड में सिंगाड़ा के शेप में करेंगे और उसमें आलू के फिलिंग्स डालेंगे। ऐसे फिर से पानी लगा के इसके चारों तरफ से पैक कर देंगे ताकि इसमें ऑयल ना जाए। और ये अच्छे से पैक हो गई है। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल भी सिंघाड़े की शेप आ गई है और ऐसे ही मार्केट से सिंघाड़े बन के हमें रेडी हो गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना जब बन के सब दूसरे को भी मैं इसी तरह कर लूँगा। इसी तरह हम लोग सारे समोसे रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको तलने के लिए रेडी करेंगे। तो ये मेरे ये भी रेडी हो गए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे समोसे रेडी हो गए अच्छे से। आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और हमें तो मुझे कमेंट में बताइए कैसे बने फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे सारे समोसे रेडी हो गए। अब मैं इसे तलने के लिए तेल लूँगी। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके रखा था फ्रेंड्स, तब इसमें हम लोग समोसा डालेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाओगे तो ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, मतलब लो फ्लेम पर। इसे अच्छे से उलटते पुलटते हुए पकाइएगा फ्रेंड, ताकि कच्चा ना रहे और इसके कलर गोल्डन ब्राउन होने तक तलिएगा फ्रेंड। और इसे अच्छे से पलटें, जो साइड गोल्डन ब्राउन है उसके बाद उसे दूसरी साइड पलट दें फ्रेंड। ये देखिए मेरी साइड पक गए, तो मैंने इसे अच्छे से पलट दिया है फ्रेंड्स। समोसा तो आज की डेट में हर किसी की फेवरेट है फ्रेंड्स, इसलिए इसे बच्चे और बड़े दोनों बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर का क्या मंगाओ, आज घर पे ही कुछ बनाते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया। आप लोग जरूर बताएं आप लोगों को कैसी लगी है मेरी डिश। देखिए फिर धीरे धीरे इसमें कलर्स बहुत अच्छे से कलर्स आ गए हैं। अभी भी थोड़ा सा पकना बाकी है, तो अब देखिए कितने सारे अच्छे से फ्रेंड्स पक गए चुके हैं। अब इसे हम ऑयल से निकालेंगे, ऑयल अच्छे से इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है।
इसलिए हम इसे अच्छे से छान लेंगे ऑयल को। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं हमारे समोसे में, आप भी ट्राई करो फ्रेंड्स। कितने करारे समोसे बने थे मार्केट जैसे, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, मैं तो अपनी केचप, मेरी फेवरेट केचप के साथ मैंने सर्व किया है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।